तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं सेव ट्रीज कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो गाइस, अगर आप सब भी इस तरह की एडिटिंग को करना चाहते हैं तो बने रहना आज के इस वीडियो के अंदर लास्ट तक। ओके, तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, ओपन करते हैं अपना पिक्सार्ट ऐप। एंड गाइस, जिन जिन बैकग्राउंड एंड पीएनजी का आज के वीडियो में मैंने यूज़ किया है, उन सभी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया आप लोगों, तो आप लोग इजीली वहां से डाउनलोड कर लेना। ओके, तो अभी बिना टाइम वेस्ट के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड ओपन करते हैं अपना पिक्सार्ट ऐप। ओके, तो गाइस अभी पिक्सार्ट ऐप के अंदर आने के बाद आप लोगों को ये वाला बैकग्राउंड को ऐड करना है अपने पिक्सार्ट ऐप के अंदर, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया है। एंड इस पर मैंने ऑलरेडी सभी पीएनजी को ऐड कर दिए, सो आप लोगों को इस पर कुछ भी मतलब ऐड करना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को चले जाना है यहाँ से ड्रॉ टूल के ऑप्शन के अंदर। ओके, तो गाइस ड्रॉ टूल में आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को चले जाना होगा यहाँ से ऐड फोटो के ऑप्शन में। एंड गाइस, आप लोगों को ऐड करना होगा अपने मॉडल को। ओके, तो गाइस मैंने अपने मॉडल को ऐड कर लिया एंड इसका बैकग्राउंड मैंने पहले ही अरेंज करके रखा हुआ है। सो सिंपली से अगर आप लोगों को जानना हो कि आप लोग इसका बैकग्राउंड कैसे अरेंज करते हैं, तो वीडियो को लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया, आप लोग इजीली वो वीडियो देखकर सीख सकते हो। तो गाइस, मैंने अपने मॉडल को मतलब कुछ स्टेप से यहाँ पर पोज में पिक क्लिक करा के यहाँ से कुछ स्टेप से पोज में बिठा दिया है। सो आप लोगों को भी कुछ स्टेप से अपने पोज में पिक क्लिक करा लेनी है एंड अपने मॉडल को कुछ स्टेप से लगा देना होगा। ओके, तो गाइस अभी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से लेयर के पैनल पर क्लिक करना है एंड यहाँ से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। एंड अभी आप लोगों को सिंपली से फोटो लेयर इस पर आप लोगों को टैप करना है एंड ऐड करना है एक और पीएनजी को। ओके, तो गाइस अभी आप लोगों को ये वाला पीएनजी को ऐड कर लेना है। सो अब के बाद आप लोगों को क्या करना है, इसको करना है डन। एंड जैसे आप लोग डन करेंगे ये ऑटोमेटिकली अपने मतलब बैकग्राउंड के ऊपर सेट हो जाएगा। ये देख रहे सकते हैं मतलब ये अर्थ वाला मतलब कि टेक्स्ट मतलब कि पीएनजी है। सो आप लोगों को इसे लगा लेने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अभी आप लोगों को यहाँ से एम्प्टी लेयर बना लेनी है यहाँ से। सो एम्प्टी लेयर बनाने के बाद आप लोगों को चले जाना है यहाँ से मतलब ऐड फोटो वाले ऑप्शन में अंदर एंड आप लोगों को ऐड करना होगा एक मतलब प्लांट के पीएनजी को। ओके, तो वैसे भी आप लोगों को ये वाला प्लांट का पीएनजी मिल जाएगा। सो आप लोग इजीली इस प्लांट के पीएनजी को ऐड कर लेना अपने पिक्सार्ट ऐप के अंदर। एंड इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसे जूम करके मतलब कि आप लोगों को अपने मॉडल के आगे बिठा देना होगा इसे, मतलब आगे अपने मॉडल के आगे जो लगा देना होगा इसे कुछ इस टाइप से। ओके, तो इसे लगा लेने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अभी आप लोगों को नीचे इरेजर वाला ऑप्शन नजर आएगा। सो आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड इसकी ओपेसिटी हार्डनेस बिल्कुल कम हार्डनेस बिल्कुल कम एंड ओपेसिटी को आप लोगों को रख लेना करीब 33 के अराउंड एंड साइज अपने अकॉर्डिंग रख करके आप लोग क्या करना है, इसे आप लोग इस टाइप से इरेज कर लेना साइड साइड से। ओके, तो गाइस अभी आप लोगों को क्या करना है, इसे इरेज कर लेने के बाद आप लोगों को चले जाना है लेयर के पैनल पर एंड यहाँ से एक एम्प्टी लेयर बना लेनी है। एंड अब के बाद आप लोगों को सिंपली से फिर से चले जाना है ऐड फोटो के ऑप्शन में एंड ऐड करना है एक और पीएनजी को। ओके, तो गाइस अब के बाद आप लोगों को ये वाला पीएनजी मिल जाएगा। इस वाले पीएनजी को आप लोग सिंपली से स्टेप से बड़ा करना है। सो आप लोगों को क्या करना है, इस वाले पीएनजी को अपने मॉडल के पीछे की साइड में लगा देना होगा। सो सिंपली से आप लोग इस स्टेप से इसे कर लेना है इस स्टेप से छोटा एंड इसे रोटेट करके आप लोग अपने मॉडल के मतलब बैक साइड में लगा देना होगा कुछ इस टाइप से। ओके, तो वैसे लगा लेने के बाद आप लोगों को क्या करना है, फिर से लेयर के पैनल में क्लिक करना है, एम्प्टी लेयर बनानी है, ऐड फोटो में चले जाना है, ऐड करना है एक और पीएनजी को। ओके, तो वैसे अब की बार आप लोगों को ये ट्री वाला मतलब पीएनजी मिल जाएगा जो टेक्स्ट पीएनजी है सेव ट्री का। सो आप लोगों को इसे मतलब ट्रांसफॉर्म करके ऊपर की साइड में लगाना होगा एंड इसे आप लोगों को कुछ स्टेप से लगा लेने के बाद अभी आप लोगों को क्या करना है, इन सभी लेयर को पहले मर्ज कर लेना होगा। सो सिंपली से मैं मर्ज कर लेता हूँ इसे। ओके, तो अभी आप लोग एम्प्टी लेयर बनानी है, ऐड फोटो में जाना है एंड ऐड करना है एक और पीएनजी। ओके, तो सब की बार आप लोगों को ये वाला पीएनजी मिल जाएगा, शेडो का पीएनजी होगा जो। सो इसे मैंने अपने आप क्रिएट किया है। तो आप लोग क्या करना है, इस वाले शेडो के पीएनजी को बढ़ा करके कुछ स्टेप से नीचे की साइड में लगा देना होगा। सो जैसे आप लोग इसे नीचे साइड में लगाएंगे तो ये मतलब कि इतना गजब सा इफेक्ट देने वाला है। तो ये देखिए आप लोग, अभी आप लोगों को बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। ओके, तो कैसे अभी इसे लगा लेने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सिंपली से अभी हम लोगों को इसके मतलब शेडो क्रिएट करनी है। सो शेडो क्रिएट करने के लिए एम्प्टी लेयर बनानी है और इस वाले लेयर को मतलब नीचे की साइड में ले आना होगा। तो अभी आप लोगों को ब्रश के आइकन पर क्लिक करना है एंड इसके साइज को करना है कम एंड ओपेसिटी को भी कम एंड अभी आप लोगों को क्या करना है, इस स्टेप से इसे यहाँ से ड्रॉ कर देना है। अभी शेडो बना लेने के बाद आप लोग मतलब कि पिक हो चुके हैं यहाँ पे एडिट,
वो भी अपने मतलब पिक्सार का काम कंप्लीट। अभी चलते हैं आप अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। सो फिलहाल ओपन करते हैं अपना लाइटरूम एप्लीकेशन। ओके तो गाइस फाइनली मैंने ओपन कर लिया लाइटरूम एप्लीकेशन एंड लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लिया ये वाला इमेज को। एंड गाइस सबसे पहले आप लोगों को यहाँ से चले जाना होगा टेम्परेचर के ऑप्शन में एंड इसका टेम्परेचर को कम करना है एंड इसकी मतलब सेचुरेशन है इसको इंक्रीज कर लेना होगा आप लोगों को। एंड जो सेकंड वाला कलर वाले ऑप्शन में जाकर के आप लोगों इसकी सेचुरेशन को डिक्रीज करना है एंड आप लोगों को येलो कलर की सेचुरेशन को डिक्रीज करना है एंड अभी आप लोगों को मतलब ग्रीन कलर की लूमिनेंस को इंक्रीज करना है। तो इसके करने के बाद आप लोगों को डन करना है एंड इफेक्ट के ऑप्शन में चले जाना है। सो यहाँ पे आप लोगों को क्लैरिटी को इंक्रीज करना है, विग्नेट को कम करना है एंड ट्रायंगल के ऑप्शन में जाकर के इसकी शार्पनेस को इंक्रीज करना है। सो गाइस अभी आप लोग देखते हैं बिफोर एंड आफ्टर, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। सो गाइस फाइनली हमारी पिक हो चुकी है रेडी। तो गाइस आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। गाइस मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।